मात्रा में और यहाँ के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है। आइए हम जाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, नागर तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम सुहलदेव पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके हम पास हम आए हुए हैं और यहाँ पे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है ओम प्रकाश राजभर जी को। उसके उपलक्ष्य में ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ पधारने वाले हैं, उनका पदार्पण होने वाला है। इसके उपलक्ष्य में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं, उनको बधाई देने के लिए आए हुए हैं। हम इन लोगों से कुछ बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि उनको लेकर, ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर क्या मुद्दा है, आगे क्या उन लोगों की मांग है, ओम प्रकाश जी से क्या मांग है और ओम प्रकाश जी को ऊपरी हिस्सा से क्या मांग है। हम यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों से हम जांच करने की कोशिश करते हैं। किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? आज हम बनारस से आए हुए हैं। अच्छा। पहले मेरा परिचय, दशरथ प्रसाद राजभर। अच्छा। मंडल उपाध्यक्ष वाराणसी मंडल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट में जगह मिली है, इसलिए हम लोग यहाँ पे खुशियाँ मनाने के लिए और स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, कब आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? यहाँ आने वाले हैं या नहीं है? ये आने वाले हैं, बहुत जल्द यहाँ पे आएंगे। अच्छा, उन लोगों से आप कार्यकर्ता हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यकर्ता हैं, जितनी भी एस पी पार्टी है, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी है, उसके आप लोग कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, जितने भी लोग आए हुए हैं। अच्छा, क्या मांग रहेगी ओम प्रकाश राजभर जी से आप लोगों की? ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ा, दलित, वंचित समाज, शोषित समाज के भगवान हैं। 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कोई आवाज़ उठाने का काम करता है शोषित समाज का, शोषित लोगों का, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अन्यथा कोई नहीं है। 403 विधायक में केवल एक ही व्यक्ति का नाम गूंजता है, ओम प्रकाश राजभर जी का। अच्छा, आप लोग सब लोग कार्यकर्ता हैं उनके? जी। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों को ओम प्रकाश राजभर जी से, दलित समाज के लिए, आप लोगों के समाज के लिए? मेरा परिचय है, मैं धनंजय खरवार, अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष बलिया का हूँ। सर, मांग क्या है? शोषित, वंचित, अति पिछड़ा और दलित समाज का हमेशा हक, हिस्सा, अधिकार के मान्य नेताजी सदन से लेकर, देख रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, हम लोगों की आवाज़, शोषित वंचित समाज का आवाज़ उठाते रहते हैं। अच्छा। जी महोदय। अच्छा, आप लोग भी आए हुए हैं कार्यकर्ता यहाँ? मऊ जिला ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे यहाँ जो मऊ जिला में आदिवासियों का ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और जो नेपाल लोग हैं वो कागज नहीं बना रहे हैं गौण जाति का। अच्छा। उसी के संबंध में हम लोग आए हैं कहने के लिए कि जाति प्रमाण पत्र बने गौण जाति का। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज को ज़्यादा दे के चलते हैं और समाज को कम लेके चलते हैं, इस बात से आप लोगों को कहीं इसमें डिफरेंट तो नहीं दिख रहे हैं? नहीं, डिफरेंट नहीं, इसमें जैसे छोटा वर्ग के लिए ऊपर का साथ दे रहे हैं कि आप लोग के साथ रहेंगे, जैसे कागज नहीं बनना है तो बोले कागज बन जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं नौकरी के लिए। जब हमारा जातीय नहीं बनेगा तो कहाँ से हम भर्ती आएगा, तो उसमें फॉर्म भरेंगे नहीं भर पाएंगे ना, नेपाल बना ही नहीं रहे, पैसा मांग रहे हैं 20,000-30,000 रुपया मांग रहे हैं नेपाल। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी को कौन से पद पे अभी पदार्पण जो मालिक जो जनता जो कर रही है वो अपना देखेंगे ना। अभी ओम प्रकाश राजभर जी को कौन सा पद मिला हुआ है? मंत्री का पद। अच्छा, कौन सा मंत्री? मैं बदामा प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष, मुख्य कमेटी, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश। सबसे पहले जितने आपके दर्शक देख रहे हैं सबको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं पूरे सुहेलदेव भारतीय समाज के पार्टी के तरफ से। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी को कौन सा पद मिला हुआ है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, अभी पद वितरण नहीं हुआ है। कैबिनेट मंत्री के यहाँ मिला हुआ, मंत्री का पद मिला है, मंत्रालय अभी वितरण नहीं हुआ है भाई जी, मंत्रालय। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ आने वाले हैं, आप लोग उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोगों का मांग क्या है? आप लोग मान लीजिए शोषित वंचित समाज से आप लोग आते हैं, हम लोग सब आ जाते हैं, हम लोग का मांग, हम लोग का जो लड़ाई है अभी। अच्छा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आज इस कार्यालय पर मंत्री बनने के बाद पहला आगमन हो रहा है। अच्छा। इस उपलक्ष्य में पार्टी का आज एक कार्यकर्ता बैठक भी रखा गया है। अच्छा। सारे प्रदेश स्तर का, प्रदेश स्तरीय एक बैठक रखा गया है, जिसमें प्रदेश स्तर की बैठक में स्वागत समारोह के साथ साथ एक लोकसभा चुनाव पर चर्चा भी किया जाएगा। अच्छा, ये हमें बता दीजिए यहाँ पे ये कौन स्थान है और यहाँ पे क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमें बता दीजिए। ये जनपद बलिया, ये रसड़ा, मीरनगंज में,
ये केंद्रीय कार्यालय है। अच्छा, भारतीय सुहलदेव पार्टी, भारतीय समाज पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है। यहाँ पे जो भी नेताजी आ जा रहे हैं, जो भी निर्देश देंगे, हम कार्यकर्ता जाकर के जमीन पे उसको काम करने का काम करेंगे। और जो नेताजी का सपना है वन नेशन वन एजुकेशन, एक समान शिक्षा, जो अमीर को शिक्षा मिल रही है वो गरीब समाज को भी शिक्षा मिले, ये पहला मांग है। दूसरा मांग है पूर्वांचल राज्य अलग करके गरीबों के उत्थान के लिए और तेजी से काम हो। अच्छा, उनका मांग है कि उत्तर प्रदेश से इसको अलग कर दिया जाए। जी, पूर्वांचल राज्य बनेगा तो तेजी से और विकास होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और गरीबों के लिए तमाम जो योजनाएं हैं, नेताजी चाहते हैं कि धरातल पर वो उतरे। अभी हम यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, और यहाँ पे अधिकतम जितने भी यहाँ पे फोर व्हीलर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जितने पीले गमछी लगाए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता ही हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बनारस से आए हैं। बनारस से आए हुए हैं। अच्छा, अभी किस पद पर हैं अभी सुहलदेव पार्टी से? प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, क्या मांग है ओम प्रकाश राजभर जी से, अगर कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, उनको उनका मंत्रालय वितरण हो जाता है तो? किसका क्या मांग? अच्छा, आप लोगों का क्या मांग होगा कि जमीनी स्तर पे कार्य हो? वो हमारे नेता हैं, वो हमको किस राह पे चलनी है और कैसे गरीबों का भला हो सकता है, वो हम लोगों को आज खुद निर्देशित करेंगे कि आप लोग इस रास्ते चल करके गरीबों की लड़ाई को मजबूत करिए जिससे कि उनका भला हो सके। अच्छा, यानी जैसे ओम प्रकाश राजभर जी चाहेंगे कि उनके पदचिन्हों पे चल के और जितने भी शोषित दलित जाति हैं, जितने भी लोग हैं, उनके हिसाब से, ओम प्रकाश राजभर जी के हिसाब से आप चल के और लोगों को उनके हक दिलाने का कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कार्यरत रहेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी कब आ रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जी मऊ की धरती तक पहुँच चुके हैं, कुछ ही क्षणों में उनका आगमन हम लोगों के बीच होने वाला है। अच्छा, और यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं ये अधिकतम कार्यकर्ता ही आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे सब पार्टी के पदाधिकारी और नेता हैं, उन्हीं को बुलाया गया है, क्योंकि उन्हीं को नेताजी समझा के क्षेत्र में गरीबों का की लड़ाई को मजबूत करने के लिए समझा के क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं चाचा जी? मैं बनारस से आया हूँ। अच्छा, अभी बनारस से आए हुए हैं। अच्छा, मेरा शुभ नाम छप्पन राजभर। अच्छा, कार्यालय प्रभारी हूँ बनारस का, प्रभारी जिला प्रभारी कार्यालय का। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि कौन सा कार्य में आप वो अग्रिम रहेंगे, आगे रहेंगे, कौन से कार्य में देखते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को हम भगवान की नज़रिया से देखते हैं। अच्छा, हमारे भगवान हैं और गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा, हमेशा गरीबों की लड़ाई सदन में लड़ा करते हैं। अच्छा, उस नज़र से मैं देखता हूँ। और सर समाज में गरीब हैं, लोग कहते हैं ना पिछड़ों की लड़ाई, नेताजी हर जाति में पिछड़े लोग हैं उसकी लड़ाई लड़ते हैं नेताजी, माननीय नेताजी। अच्छा, अभी मैं इस यहाँ पे कार्यकर्ताओं से हटके मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे और आप लोगों से। लखनऊ में हम गए हुए थे, वहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं टीचर के भर्ती को लेकर आपने न्यूज़ में देखा होगा, तमाम खबरें चल रही हैं, उनका 622वां दिन है आज लगभग करीब में, उसको धरना प्रदर्शन किए थे और उसको मांग कर रहे थे कि हमारी बहाली को आगे बढ़ाया जाए, उसका आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ पे तमाम चलता रहता है। हम भी लखनऊ गए थे उन लोगों में, तो उन लोगों ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर की गलती है इसमें थोड़ी सी, तो उसमें पे आप टिप्पणी क्या करना चाहते हैं, क्या है आप बताइए उसमें ओम प्रकाश राजभर जी की क्या गलती है? वो शिक्षा मंत्री हैं, नहीं है ना? अभी तो वो परसों से सरकार में गए, तब तक उनकी गलती कहाँ से आ जाएगी? हमने देखा वहाँ पे कि तमाम पीछे पोस्टरें हैं, मैं आपको लगा दूंगा रिपोर्टिंग में, क्या पोस्टर लगा के उनका भी पोस्टर, तमाम नेता हैं उनका पोस्टर लगा के वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर असल में वो लोग इसलिए लगाए हैं, आप समझ नहीं रहे, कि लोगों को उनसे अपेक्षा है। अच्छा। कि अगर हम उनको लेकर के लड़ाई लड़ेंगे तो शायद हम लोगों की बात मान ली जाए। अच्छा। वही एक ऐसे नेता हैं जो हर वर्ग, शिक्षा से लेकर के गरीब, कमजोर, मजलूम, हर समाज की लड़ाई लड़ने वाले सिंगल एक नेता है, आज जनता की वो अपेक्षा बन चुके हैं। अच्छा, अभी हमने सोशल मीडिया पर तमाम देखा कि इस खबर को एक रिपोर्टर पूछा हुआ था, तो उसमें नेताजी बोले, आपके ही नेताजी भारतीय सुहलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी को पीटने लायक ही हैं,
इस पे तमाम खबरें छप रही थी, लोगों ने इसका अफवाह उड़ाया, इस पे हुटिंग कर रहे थे, तो इस पे क्या कहना है? अच्छा, पीटने से आप क्या तात्पर्य लगाते हैं? पीटने से क्या तात्पर्य लगा? उन्होंने बोला था ओम प्रकाश राजभर जी कि वो पीटने लायक ही हैं, इसका पीटने मतलब से, उनके पीटने वाले शब्द से आप क्या तात्पर्य लगाते हैं? आप ही बता दीजिए। केवल पीटना मारना होता है? उन्होंने, एक रिपोर्टर था, उसने बोला था वो रिपोर्टर भाई कि वहाँ पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन लोगों पे पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा है, इस पे उन लोगों का बर्ताव था, उन लोग आपके नेताजी का कहना था, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बता दूँ, वो जिस मुद्दे पे आप पूछ रहे हैं वो मुद्दा ये था कि उन लोगों को, वो लोग हम लोगों के कुछ लोगों से जुड़े हुए थे, उन लोगों को जिस तरीके से कहा जा रहा था लड़ाई लड़ने को, वो अपना अपने हिसाब से, उसमें कई संगठन अलग अलग अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो उसमें नेताजी क्या कर सकते हैं? तब फिर क्या बोले बताइए आप। जैसे शिक्षा में के सवाल पे जो वहाँ बैठे हैं शिक्षक, उनको लेकर के अलग अलग संगठन अपनी अपनी राजनीति सेक रहा है, तो क्या कहा जाए आप बताइए। चले, अभी हम यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी का, यहाँ पे तमाम लोग कार्यकर्ता हैं भारतीय सोलदेव पार्टी के, यहाँ पे तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं उन्हीं का, और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे और हम लोगों को संबोधित करेंगे और कैबिनेट मंत्री बनने की खुशी में उनको बधाई दिया जाएगा। और यहाँ पे तमाम आपको कार्यकर्ता दिख रहे होंगे, यहाँ से वहाँ तक आपको दिख रहे होंगे, तमाम कार्यकर्ता ही यहाँ पे अधिकतम आए हुए हैं, और आप देखते रहे नागरिक न्यूज़ चैनल।